नमस्तेकार और आज हम खड़े हैं थाई एस के सामने जिसका नाम है टोयोटा फॉर्चूनर लेजेंडर 2004 में लॉन्च हुई थी और ये 2020 का सेकंड जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट आप देख रहे हैं सिर्फ डीजल में एक ही मॉडल आता है जिसकी कीमत है ऑन रोड 44 लाख रुपीज़ वैसे स्टैंडर्ड फार्चूनर रेंज शुरू होती है थर्टी लाख लैख रुपीज़ से लेजेंडर फॉर्चूनर रेंज का सबसे महंगा और स्पोर्टी वेरियंट है टोयोटा के इनोवेटिव इंटरनेशनल मल्टीपर्पज़ व्हीकल आई प्लेटफॉर्म पर बनी है लेजेंडर जिसपे इनोवा और हाईलेक्स भी बने हैं ये सेवन सीटर और फ्रंट व्हील ड्राइव एस है 2009 से लेकर आज तक वन लैक सेवेंटी थाउजेंड फार्चुनर्स बिक चुकी हैं अपने सेगमेंट में 53 परसेंट मार्केट शेयर है फॉर्चुनर का जो इसे बनाती है इंडिया की फेमस एस में से एक एक्सक्लूसिव और कन्वीनियंस फीचर्स को ध्यान में रखकर बनाई है टोयोटा ने लेजेंडर हीरो की नाका जीमा ने डिज़ाइन की है फॉर्चुनर ये फॉर्चुनर का टॉप मॉडल है और ये सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर फ्रंट सेंसर्स हैं कैटाम स्टाइल बम्पर है स्लीक और कूल डिजाइन थीम ग्रिल है पियानो ब्लैक हाईलाइट में टोयोटा का लोगो एल ई फॉग लैम्प स्प्लिट क्वाड एल ई डी हेडलैम्प है वाटरफॉल एल ई लाइन गाइड सिग्नेचर के साथ फ्रंट व्हील ड्राइव है लेजेंडर वाइपर्स डुअल टोन ब्लैक रूफ है रूफ रेल्स हैं शार्क फिन एंटेना है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल आउटसाइड मिरर्स हैं टर्न इंडिकेटर और पडल लैंप्स के साथ साइड फुटस्टेप, फॉर्च्यूनर फॉर्चुनर की क्लैडिंग 4.8 मीटर लेंथ है 1.8 मीटर हाइट है 5.8 मीटर टर्निंग रेडियस है लगभग 193 नाइनटी ग्राउंड क्लियरेंस है और 2600 केजी ग्रॉस वेट है लेजेंडर का बॉडी ऑन फ्रेम चेसी है और ये हैं 18 इंच के मल्टी लेयर मशीन का टलॉई व्हील आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे ब्रिज के टायर्स हैं डिस्क ब्रेक्स सिर्फ व्हाइट कलर में ही आती है लेजेंडर ब्लैक रूफ के साथ फॉर्च्यूनर में पावर और लेजेंडर में स्टाइल पे फोकस किया गया है इंडिया थाईलैंड अर्जेंटीना इजिप्ट इंडोनेशिया मलेशिया पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और वियतनाम में असेंबली होती है फॉर्चुनर की तीन साल वन लाख किलोमीटर की वारंटी टोयोटा देती है लेजेंडर पर तीन ड्राइव मोड्स मिलेंगे ईको नॉर्मल और स्पोर्ट कैटमेरन स्टाइल रियर बम्पर है और ये कॉम्बिनेशन टेल लैम्प सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ फॉर्चुनर की बैजिंग रियर वाइपर स्पॉइलर हाई माउंट स्टॉप लैम्प के साथ रियर सेंसर्स हैं फॉग लाइट है स्पेयर व्हील फोर व्हील ड्राइव में भी आती है लेजेंडर बट वो मॉडल इंडिया में अवेलेबल नहीं है फॉर्चुनर की प्लेट, लेजेंडर की बैजिंग रियर कैमरा आगे डबल विशबोन सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे कॉयल स्प्रिंग के साथ फोर लिंक सस्पेंशन मिलेंगे आगे और पीछे पिच और बाउंस कंट्रोल स्टेबलाइजर बार है हीट रिजेक्शन ग्लास हैं लेजेंडर में पुराने टीआरडी आर मॉडल को रिप्लेस करती है लेजेंडर और ये वाइड एंगल बोनेट मिरर डोर वाइजर ऑटो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है टॉर्जिनल और बेंडिंग रिजिडिटी के साथ टफ फ्रेम है लेजेंडर का इम्पैक्ट को ऑब्जॉर्व करने वाली बॉडी है लेजेंडर की पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सपोर्ट के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर कई फीचर्स मिलेंगे जैसे जियो फेंसिंग रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग और वॉक टू कार सेफ्टी के अंदर सेवन एस आर एस एयरबैग्स ए बी एस ई बी डी वाइकल स्टेबिलिटी कंट्रोल ब्रेक असिस्ट स्पीड सेंसिंग ऑटो लॉक इमरजेंसी अनलॉक के साथ हिल असिस्ट कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल एंटी थेफ्ट अलार्म अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ ग्लास ब्रेक सेंसर पार्क असिस्ट आगे पीछे सेंसर्स के साथ आई एस चाइल्ड सीट माउंटिंग इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल और आगे की सीट बेल्ट प्री टेंशनर और फोर्स लिमिटर के साथ मिलेगी काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन दिया गया है लेजेंडर को फुली ऑटोमेटिक पावर बूट डोर है हाइट एडजस्ट मेमोरी और जैम प्रोटेक्शन के साथ नीचे पैर घुमा के भी आप बूट को ओपन कर सकते हैं यहाँ मिलेगी आपको 100 लीटर की बूट स्पेस रियर सीट्स फोल्ड करने पर 296 लीटर की स्पेस बन जाएगी सीट्स फोल्डेड हैं 12 वोल्ट का पोर्ट है हुक है सीट्स को ऊपर कर लेते हैं नीचे फिट नहीं हो रही हैं वन टच से ही क्लोज हो जाएगा बूट आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं सारी पावर विंडोज ऑटो अप डाउन मिलेंगी जैम प्रोटेक्शन के साथ सिक्स स्पीकर्स का साउंड सिस्टम मिलेगा लेजेंडर में लेदर फिनिश थोड़ी स्पेस पावर विंडो का बटन बॉटल होल्डर काफ़ी स्पेस स्पीकर स्कफ़ प्लेट और ये है डुअल टोन ब्लैक और मैरून परफोरेटेड लेदर अपॉलस्ट्री ये अपॉलस्ट्री जेनुइन और सिंथेटिक लेदर का मिक्स है 60-40 स्प्लिट सेकेंड रो सीट्स हैं फोल्ड स्लाइड रिक्लाइन और वन टच टम्बल के साथ तीन हेडरेस्ट है हैं तो के क्वेश्चन मिलेंगे और ये आमरेस्ट दो ग्लास होल्डर्स हैं सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगी प्लेन रूफ है एसी वेंट्स हैं फोर के जी कैपेसिटी का हुक है यहाँ थोड़ी स्पेस दो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स हैं सॉफ्ट अपॉल में रैप्ड है डैशबोर्ड एम्बिएंट लाइटिंग है रीडिंग लाइट्स एसी के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे एसी वेंट्स हैं रूफ पे हैंडल बार और वन टच से ही सीट फोल्ड हो जाएगी ऐसी थर्ड रो सीट्स वन टच फोल्डेबल और एक लाइनिंग थर्ड रो सीट्स हैं। साइड में थोड़ी स्पेस है ऊपर दो एसी हैं। पीछे भी रीडिंग लाइट दी गई है आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं यहाँ पर भी डोर पे नीचे स्पीकर है लाइट दी गई है लेदर फिनिश है थोड़ी स्पेस दी गई है पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं डोर कर लॉक लॉक करने का बटन है ओ आर के कंट्रोल्स हैं एसी सी बॉटल होल्डर काफी स्पेस ट्विटर टोयोटा की स्कफ प्लेट टायर प्रेश इनफॉर्मेशन पावर एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हैं नेक इंजरी को कम करने वाली फ्रंट कॉन्सेप्ट सीट्स हैं शानदार मैरून और ब्लैक कपोलस्ट्री में टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेरिंग कॉलम है और ये पैडल्स बोनेट ऑफ लिड खोलने के लीवर से भरेंगे डीजल और ये डी पी एफ टैंक पार्क बूट कंट्रोल करने के बटन्स इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहां पर ग्लास होल्डर है हैंडल बार है आमरेस्ट के अंदर काफी स्पेस मिलेगी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन तीन ड्राई मोड्स का बटन और ये है सिक्स स्पीड सीक्वेंशियल शिफ्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन शिफ्ट लॉक के साथ शानदार फिनिश है सेंटर कंसोल पे दो ग्लास होल्डर्स हैं यहाँ पे और ये वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर 12 वोल्ट का पोर्ट है यूएसबी पोर्ट है वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल हैं और ये है डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ए सी ऑटो रियर कूलर के साथ और यह है एट इंच का टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट कैपेसिटिव स्विचेस के साथ सपोर्ट करेगा ब्लूटूथ यूएसबी एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ये एप्स स्मार्ट डिवाइस लिंक एप्स ये होम ये ऑडियो एफ एम रेडियो ब्लूटूथ मीराकास्ट और ये सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स, ये थीम सेटिंग्स, ब्लूटूथ सेटिंग्स, ऑडियो सेटिंग्स, फोन सेटिंग्स, वॉइस सेटिंग्स ये ट्रिप इनफॉर्मेशन दो ए सी हैं, डिजिटल क्लॉक है एसी कंट्रोल्स हैं यहाँ पे रूफ पे ये शानदार डैशबोर्ड के फिनिश ग्लास होल्डर है पैसेंजर सीट के लिए और ये अपर कूल ग्लो बॉक्स हैंडल बार ट्विटर लॉकेबल ग्लो बॉक्स है फर्स्ट एड किट है पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ इलेक्ट्रोक्रोमिक रियर व्यू मिरर लाइट्स इंटीरियर मॉनिटरिंग सिस्टम और सनग्लास होल्डर है और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ हैंडल बार और ये है पावर स्टेरिंग वेरिएबल फ्लो कंट्रोल के साथ ये फ़ोन वॉल्यूम इंफोटेनमेंट और वॉइस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स क्रूज कंट्रोल पैडल शिफ्टर वाइपर के कंट्रोल्स लाइट के कंट्रोल्स इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन स्टेरिंग एडजस्टमेंट और ये है ऑप्टी ब्लैक डायल कॉम्बी मीटर क्लस्टर टीएफटी मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ जो दिखाएगा कूलिंग टेम्परेचर फ्यूल लेवल स्पीड आरपीएम, ओडोमीटर गियर शिफ्ट इंडिकेटर और का इंफॉर्मेशन डिजिटल स्पीड एवरेज सेटिंग्स मीटर कस्टमाइजेशन, लैंग्वेज यूनिट्स ड्राइवर इन्फो और ये ड्राई मोड्स इको, स्पोर्ट नॉर्मल मैनुअल रीजनरेशन आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन तो यह है ट्वेंटी एट हंड्रेड सी सी इन लाइन फोर सिलेंडर डी फोर डी कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन डी ओ एस सी सिक्सटीन वॉल्व टोयोटा वन जी डी एफ टी वी एसटेक डीजल इंजन वेरिएबल नोजल टर्बोचार्जर और इंटरकूलर के साथ 201 हंड्रेड वन हॉर्स पावर है 500 हंड्रेड एन एम टॉर्क है और टेन का एवरेज मिलेगा 80 लीटर के फ्यूल टैंक से एसटेक या ई एस टी ई सी का फुलफॉर्म है इकॉनमी विद सुपीरियर थर्मल एफिशेंट कम्बशन टेक्नोलॉजी फाइव हंड्रेड एन एम टॉर्क है एटी लीटर का फ्यूल टैंक है तो ये था टोयोटा जी डी एंजिन और अब लेजेंडर की लाइट्स फुल ऑन हो गई हैं स्प्लिट कॉर्ड एल ई डी हेडलैंप हैं वाटरफॉल एल ई डी डी आर एल है तो कैसी लगी आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर हमें कमेंट्स में बताइए थैंक यू